whether you like it or not, establishment का एक रूल तो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में. दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स बिकती भी है इस वक्त. बिल्कुल. और पंजाब में पहली दफा आपने देखा. और पंजाब में देखें मरियम नवाज शरीफ साहब ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट मियां साहब निकले जब जीटी रोड से गए खलाई मगरू कौन लोग हैं उन्होंने कैसे कर दिया. फिर उसको मरियम नवाज शरीफ साहब आगे लेकर चले. वोट को इज्जत दो का नारा उन्होंने लगाया और वो नारे के साथ मुस्लिम लीग नून को थोड़ा सा रिवाइव बहुत हद तक रिवाइव किया पीएमएलएन. और वो सारी रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है डिफाइंस की पॉलिटिक्स उन्होंने की. डिफाइंस किसके खिलाफ? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ. और फिर उन्होंने डील कर ली. अब उन्होंने डील करके वापस हुकूमत में आ गए हैं. तो इमरान खान साहब ने वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो डिफाइंस की पॉलिटिक्स वो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स और ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि पाक लोगों में बिखरी पीपल इंक्रीजिंगली ये बयानिए अवाम में ज़्यादा मकबूल हो रही हैं. सो इमरान खान साहब ये बयानियाँ भी बनाना चाहते हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है एक. दूसरा मुमकिन है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन आती है उनके बंदों से कि ये पहला मौका तो नहीं है इससे पहले भी क्या हो सकता है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि लोग मैं जब लास्ट टाइम भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया था तो उस टाइम भी उनके लोगों ने कहा था हाँ जी हमारे लोगों को कॉल्स आ रही हैं कि आप टिकट ना लें. सही बलजाती इलेक्शन इलेक्शन में कुछ लोगों ने टिकट लेने से भी इनकार किया था. आप 2018 का इलेक्शन देख लें. इस्टैब्लिशमेंट का रोल तो है किस तरह पार्टियां वो साउथ पंजाब महाज बना सकते हैं लोगों को इधर से उधर डाल सकते हैं इधर ज्वाइन कराने का कह सकते हैं. सो एक रोल तो उनका हिस्टोरिकली सब जानते हैं और मानते हैं कि ये रोल प्ले करते हैं वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी के साथ. तो आजकल तो वो जो उनकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है वो तो पीडीएम और कोलिशन है जिनके लिए अगर वो ये करना चाहें तो कर सकते हैं. हो सकता है इन्फॉर्मेशन हो खान साहब के पास कि वो ये करना चाहते हैं. बात शुरू हुई थी तोशाहाना से फिर ममनुआ फंडिंग गई फिर दहशतगर्दी आई फिर तोहीन अदालत. तो ये केस जो होते हैं अदालत में जाके कैसे उड़ जाते हैं? खान साहब पर तो बड़े वो सियासी इतने हमले करते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन अदालत में जाके केस ख़त्म हो जाते हैं. देखिए अदालतों ने आईन और कानून के मुताबिक चलना होता है. बहुत सारे अदालतों के फैसलों के ऊपर हम एतराज़ भी करते हैं तनकीद भी करते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई भी शख्स है मैं हूँ आप हो जाएं या कोई और शख्स हो इन्हीं इदारों से आपको रिलीफ मिलना है इंसाफ मिलना है. तो मैं इसीलिए कहता हूँ इदारों को कॉन्ट्रोवर्शल नहीं बनाना चाहिए. और हमने देखा हालिया दिनों में जहाँ पर अगर कुछ फैसले पीटीआई के खिलाफ आए या नून लीग के खिलाफ आए वहाँ पर उनको रिलीफ भी मिला. तो ये जो बड़े लीडर हैं चाहे वो पीटीआई के हों या किसी और जमात के हों इन सबको सोचना चाहिए कि एक फैसले के आने के ऊपर इदारों के ऊपर चढ़ाई ना कर दिया करें थोड़ा सा ग्रेस दिया करें दिखाया भी करें और इन्हीं इदारों से इन्हीं अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा और इनको भी मिलेगा और खान साहब को भी मिला है और दूसरी जमातों को भी मिला है. तो सबको सोचना. आप मुस्तकबिल में देख रही हैं खान साहब पर जैसे माजी में ममनुआ फंडिंग आई तोहीन अदालत आई इन केसेस को अब जो फैसला महफूज है तोशाहाना का रेफरेंस जो इनने फाइल किया हुआ क्या खान साहब पर अब भी कोई आप देख रही हैं कि नाहली हो सकती है किसी सूरत में खान साहब का रास्ता रोका जा सकता है इन केसेस के बाद? अगर तो जो भी एक मजमूई तौर पे सियासी अहदाफ रखे हुए हैं फैसला साजों ने उसके दरमियान खान साहब आ जाते हैं तो शायद फिर इसका वो शिकार हो जाए. देखिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ ये खान साहब के बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का रंग क्या होगा. पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का रंग ये होगा कि शायद हमारी मीडिया के ऊपर हम क्या चलाएंगे या यूट्यूब के ऊपर हम क्या बात करेंगे और ऑपोजिशन जो है फिर वो जो उनकी आपस में पुरानी सियासत है वो रिवायती सियासत हो जाएगी. तो नहीं फिर वो उनके पास और बहुत अपनी पुराने जो है डिफरेंसेस है जिनको वो करेंगे क्योंकि अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ना है ना. आपका ख्याल है जो इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ पे पंजाब के अंदर या किसी मुल्क भर में ये साथ लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करेंगे एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट पिच करेंगे वो एक नया मैदान लग रहा है ना. तो वो पाकिस्तान में सियासत के लिए बड़े इशूज होते हैं. 23 में जो इलेक्शन होंगे क्या लोग इनकी बातों में आ जाएंगे जो उन्होंने अभी देखा है माजी में सारे? देखिए ये एक सियासी हकीकत है पीएमएलएन पंजाब के अंदर और वो टफ टाइम देंगे और अच्छा तगड़ा मुकाबला देंगे. वॉकओवर पीटीआई को जो हम समझ रहे बिल्कुल मिलेगा नहीं मिलेगा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीएमएलएन की अपना एक वोटर है वो उसको निकालने में कितना कामयाब होते हैं क्योंकि खान साहब का वोटर है बहुत मोटिवेटेड है उसको शायद उतनी मेहनत ना करनी पड़े निकालने की जितना के पिछली मरतबा करनी पड़ी थी. पीएमएलएन जो है उसको अपना वोटर निकाल है. पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी सियासी हकीकत है सिंध के अंदर वो वहाँ के सिस्टम को समझते हैं अपने हाथ में उन्होंने वहाँ पर तमाम मामला लिए हुए हैं. सो अगर हम समझेंगे जी बिल्कुल सारे क्लीन स्वीप हो जाएंगे और खान साहब बहुत प्रिवेल करेंगे एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट के साथ वो वापस ज़रूर आएंगे
लेकिन एक अच्छा मुकाबला होगा अगर खास तौर पे नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं वो पीएमएलएन वाले, तो वो एक अच्छी फाइटिंग पोजीशन में होंगे। लेकिन डेफिनेटली खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा। इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, ना मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। आपको क्या लगता है कि वापस आएंगे इन हालात में? मेरा ख्याल है आना पड़ेगा वापस, बिकॉज उनकी जमात के अंदर से भी अब लोग कहते हैं, बड़ी ये मशहूर बात है जिसमें नवाज शरीफ साहब जब कीमतें बढ़ने के ऊपर तश्वीश का इजहार करते थे, तो यहीं से उनको कहा गया था, कहा जाता था कि वापस आ जाएं, फिर आप लोग खुद फैसले कर ले। तो पार्टी के अंदर से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई अब आपको वापस आना होगा। और खान साहब के मुकाबले पे अगर कैंपेन चलानी है तो नवाज शरीफ ही चला सकता है, क्योंकि बाकी तमाम लोग उस लेवल की सपोर्ट नहीं निकाल पाए, इंक्लूडिंग मरियम बीवी। सो वो इसलिए चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन से पहले तो आना ही होगा। और इमरान खान साहब नाहल होते हैं या नहीं नाहल होते, तो खान साहब के अपने कितना वो दबाव बढ़ाते हैं और किस हद तक वो स्ट्रीट पावर शो करते हैं, अगेन पोलिटिकली बनाए हुए केसेस चाहे वो सही भी हूँ, उनके फैसले हमेशा तारीख यही जांचेगी कि बदनीयती पे किए गए थे। बात की खान साहब जिस दिन से पीएम हाउस से निकले हैं, अवाम में हैं, पंजाब का इलेक्शन आपने देखा, लोगों ने जवाब दे दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। अभी 16 को फिर बाई इलेक्शन हैं, अब क्या देख रहे हैं खान साहब, वही रिजल्ट दोबारा रिपीट करेंगे? अगर वो रिपीट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा कि अर्ली इलेक्शन में अब जाया जाए या ना जाया जाए? देखें, मेरी नज़र में ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर, ये इसमें इसके अंदर ये जो 16 अक्टूबर के इलेक्शन है, वाटरशेड मूवमेंट होगा। इससे आपको पाकिस्तानी सियासत की सिमत समझ आ जाएगी कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरफ सियासत जा रही है। एज ऑफ नो जो सर्वेज आ रहे हैं, इमरान खान के जो जलसे हो रहे हैं, हर तरफ से आपको एक यही मैसेज मिल रहा है कि इमरान खान इज़ गोइंग टू विन, स्वीप करेगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हुकूमत इलेक्शन रुकवाने की कोशिश कर रही है। अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक हंगामी इजलास इलेक्शन कमीशन बुलाना जा रहा है, पता नहीं कोई रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि क्या मसले मसाइल हैं। तो वो ऑलरेडी एक डिफीटस मैंटेलिटी जो है पीडीएम और ख़ास तौर पर नून लीग दिखा रही है। नून लीग को ये नहीं समझ आ रही कि पीपल्स पार्टी को, एएनपी को, मौलाना को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है तो पंजाब की एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी को पड़ रहा है। सही। उसके लिए ज़रूरी है कि तो आपको उसके पास तो उसका फ्यूचर फिर। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अवाम में जाएं, अवाम का सामना करें, जलसे करें, जुलूस करें। सियासत के अंदर यही होता है, और किसी जमहूरी मुल्क के अंदर इसी तरह सियासत आगे बढ़ती है। इमरान खान को अगर आपने गलत साबित करना है तो वो आपने वोट के ज़रिए करना है। ये नहीं है कि आपने कोई 10 पर्चे कर लिए, 15 पर्चे कर लिए, इमरान खान के ऊपर आपने तोहमतें लगा दी, कोई टेक्निकल नॉकआउट कर लिया। ये नवाज शरीफ साहब को ये समझना चाहिए, जब उनके ख़िलाफ़ जब गलत इकदाम मिलिट्री डिक्टेटर्स ने ये किसी सतह पे लिए थे, जब वो वापस आए 2008 में, लोग उनके साथ खड़े थे। बिल्कुल। तो अब ये उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है। इससे पहले हमने देखा अदालतें आज़ाद हैं, केसेस हर माशाल्लाह इज़्ज़त माब हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब, वो मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले हो रहे हैं। एक फैसला आपके हक में जा रहा है, दूसरा दूसरे के हक में जा रहा है। उसके ऊपर जब फैसला आ जाता है उसके ऊपर आप राय का इजहार कर सकते हैं, आईनी ये आपका हक है। लेकिन अब एक ये चेंज, एक जो आप मुल्क के अंदर एक तब्दील शुदा मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं, तो उसकी नई रियलिटीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।